just make sure that our communication is good, right? Whenever you're not getting anything, ask, stop me then and there and ask me then and there, okay? So let us start with, whenever I start a topic, I generally look into all this, right? That means what is the basic thing? Why do we study that thing? What is the usage now? ठीक है, हालांकि ये चीजें तुम्हारे किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगी, बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हम लोग ना चीजों को समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप देखोगे जनरली मैं ये चीजें जरूर से डिस्कस करता हूँ, राइट? उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद दैट, राइट? टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, व्हिच इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट्स गो अहेड विद दिस. See, what was the need to study trigonometry? हमने trigonometry पढ़ना शुरू क्यों किया? ठीक है? That is the first thing that I want to answer. Any suggestions from your side? सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ, logic लगाओ. Any one of you? Why did we start to study trigonometry? Sir, to find heights and distances. To find heights and distances. You can say to some extent, definitely yes, right? To find height and distances. You can also say that is one of the very important application of trigonometry. Anyone else? इसकी ना आर्किटेक्चर में, राइट, ये जो पुराने आप देखते हो ताजमहल इज स्टिल अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कब बना था? सो मेनी इयर्स को, राइट? उसके बराबर का कोई बढ़िया सा वंडर ऑफ द नेशन, मतलब वंडर ऑफ द वर्ल्ड रादर, हम लोगों ने दोबारा रिक्रिएट नहीं किया. तो आर्किटेक्चर तो तब भी था ना, उसमें हम एंगल्स मेजर करते हैं, कितने एंगल पे बीम होना चाहिए, कितने एंगल पे क्या होना चाहिए. तो इवन दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है ना, तो वो एक छोटी शुरुआत होती है, बट आगे चल के उसकी यूसेज बहुत ज्यादा हो जाती है. अभी करेंटली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज करते हैं? हम लोग रोबोटिक्स में यूज करते हैं, राइट? जो रोबोट्स बनते हैं वहां पे भी ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है. किस एंगल पे स्क्रू को लगाना है, रोबोट्स के अलग अलग हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, राइट? तो वहां रोबोटिक्स में यूज है. ट्रैजेक्टरी ऑफ रॉकेट्स, जो रॉकेट जाते हैं उसकी ट्रैजेक्टरी, राइट? तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, या फिर आगे पढ़ोगे शायद. पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, तो वहां पे ये आप पढ़ोगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन आप जरूर से पढ़ेंगे. तो वहां पे भी इंटायरली ट्रिगोनोमेट्री से आप ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर सकते हो. ये जो अभी कभी कोई हमारा सैटेलाइट ऊपर होता है, कोई हमारे पास ऑब्स्टेकल आ रहा होता है, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसका एल्गोरिदम भी कैसे ट्रिगोनोमेट्री से ही बनता है. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग में भी ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है. आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहां पे तो बहुत ज्यादा यूसेज है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, राइट? एक और तुम्हें बहुत जनरल बात बताता हूँ. जैसे ट्रिगोनोमेट्री की एक यूसेज ये भी है कि ये रहा तुम्हारा सन, राइट? ये रहा तुम्हारा सन और ये हम लोग यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ. इस अर्थ पे एक पॉइंट पे लेट से यू आर स्टैंडिंग, राइट? यहां से तुमने सन को देखा एंड सन पे तुमने देखा ये एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, राइट? इस एंगल थीटा को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं, राइट? हमारे आई पे कुछ, ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होगा, right? To measure this angle, we'll have that instrument. Now, as we know that the distance between the earth and sun is some distance, right? वो distance हमें मालूम है, हमारे scientist ने calculate कर रखा है, और ये theta angle हम लोग किसी instrument से calculate कर लेंगे. इसकी help से पता है तुम्हें हम क्या निकाल लेंगे? We'll be able to calculate the diameter of sun, जो कि otherwise possible ही नहीं है बेटा. That is also one of the very, very important thing that you can do with the help of trigonometry. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम डिटेल पढ़ेंगे, राइट? इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे कितनी है? Those who are preparing for IIT JEE, right? 6% questions आपको mains में यहाँ से मिलेंगे, 6% questions पिछले 5 साल की एनालिसिस बता रहा हूँ, 6% questions यहाँ से मिलेंगे. NDA एग्जाम के लिए दिस इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. 9 questions इन NDA means a lot. आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, अगर 9 questions तुम्हारे को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट? इंटायर ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड देन योर आइडेंटिटीज एंड देन योर ग्राफ्स, सब कुछ मिला करके यहाँ पे 9 questions यहाँ पे मिल रहे हैं तुम्हें. 6% IIT JEE में आ रहा है. CBSE ISC में ऐसा चीज की डायरेक्ट एप्लीकेशन तो नहीं है, बिकॉज ये 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक नहीं है,
बट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. तुम यहाँ पे जो चीजें अभी पढ़ने वाले हो बेटा, ये तुम्हें क्लास 12th में कैलकुलस में बार बार दिखेंगी, कैलकुलस में दिखेंगी. 12th में तुम्हें ये कहाँ कहाँ मिलेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ. कैलकुलस में दोनों जगह पे, डिफरेंशिएशन में भी राइट, इंटीग्रेशन में भी. और अभी जो आप ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो 12th में, आपका रिलेशन एंड फंक्शन के बाद जो वेरी नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, इंटायरली. ठीक है, दैट इज द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनफैक्ट. ठीक है, इतना ही नहीं बच्चों, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. उसके बाद फिर तुम अभी 11th क्लास में भी एक और टॉपिक पढ़ने वाले हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे भी कुछ हद तक आपको ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्लोप एंड अदर थिंग्स. ठीक है, तो ये दैट इज द इम्पोर्टेंस. राइट, व्हाई शुड वी स्टडी, अभी क्या क्या यूसेज है, किस एग्जाम में कितना वेटेज है, ये सारी चीजें मेरे समझ में एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है, नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक. आइए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री की इनिशियल क्या है. बेटा ये ग्रीक वर्ड से बना है, आप कई जगह पे इसको पढ़ेंगे, ट्रिगोनो एंड मेट्री. इसका मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज मेजरमेंट. राइट, ट्राइंगल एंड द मीनिंग ऑफ मेट्री इज व्हाट, मेजरमेंट. So trigonometry is what? It is a branch of mathematics that deals with the measurement of triangles. Okay? That deals with the measurement of triangles. Okay? Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the measurement of triangles. अब जब हम measurement of triangles की बात करते हैं, तो triangle में I'm sure तुम जानते हो, because 9-10 में तुमने इतनी trigonometry पढ़ी है. तुमने trigonometry 9-10 में जितनी पढ़ी थी ना, तुमने 11th क्लास का 10% 9-10th में पढ़ा है, ध्यान रखना. अभी तुम इसका 10 टाइम्स ज्यादा पढ़ने वाले हो, 10 टाइम्स. राइट, इफ यू स्टडीड एक्स देयर इन 9th एंड 10th, यू विल बी स्टडीइंग 10x नाउ. राइट, दिस इज अ लेंथी चैप्टर, इजी चैप्टर एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बच्चों ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से हमें इसको प्रैक्टिस करना है. राइट, कोई टेंशन नहीं है, स्पीड थोड़ी स्लो भी रहेगी तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन हाँ, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड मास्टर दिस चैप्टर. ओके, तो ट्रायंगल की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तुम्हें मेजर करने के लिए सिर्फ दो चीजें होती है ना. राइट, इधर यू मेजर अ साइड और यू मेजर एंगल्स. डू वी हैव अ थर्ड थिंग, कहने को आप कह सकते हो सर एल्टीट्यूड. राइट, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसमें एल्टीट्यूड भी तो होता है ना, मीडियन भी तो होते हैं. ठीक है, वो सब लेंथ ही है ना, दो ही चीज है. साइड से हम लोग क्या लेंथ में मेजर करते हैं, अल्टीमेटली लेंथ मेजर करते हैं ना बेटा. एंगल अभी तक जो तुमने पढ़ा है बच्चों, वो तुमने डिग्री में पढ़ा है. राइट, दैट इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. राइट, अभी तक आपने जो पढ़ा है आपने डिग्री में पढ़ा है. अभी हम लोग दो और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे. अब बात आती है सर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से क्या मतलब है, तो इसको भी समझो. राइट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बेटा, जैसे आप कभी लेंथ मेजर करते हो. राइट, आप कभी लेंथ मेजर करते हो तो हम बोलते हैं हमारे पास जो स्केल है दैट इज अ 1 foot स्केल. राइट, 1 foot उसकी लेंथ है. एक जो स्टील स्केल होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, दैट इज 1 foot उसकी, 1 feet उसकी, 1 foot बोलना चाहिए बिकॉज फीट इज प्लूरल, इट इज 1 foot. और आपको पता है कि 1 foot के अंदर कितने इंचेज होते हैं, 12 inches होते हैं. ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 foot में कितना सेंटीमीटर होता है, शायद 30 centimeters, मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना, शायद 30 centimeters होता है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इज नॉट एग्जैक्ट. ओके, तो ये जो सिंबल होता है ये इक्वल टू का सिंबल है और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल होता है. ओके, तो यहाँ से बच्चों क्या है, अब जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आप अलग अलग यूनिट्स यूज करते हो. राइट, फीट और फुट इज वन ऑफ द यूनिट्स, इंचेस इज अदर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट, यार्ड्स, बहुत सारे ऐसे माइल्स है ना, हम लोग उसको यूज करते हैं. किस किस चीज को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. वैसे एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं. वन ऑफ देम दैट यू हैव स्टडीड इज डिग्री. डिग्री इज वन ऑफ द यूनिट्स विद विच एंगल्स आर मेजर्ड. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग शुरुआत जो करेंगे, राइट, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से ये थर्ड चैप्टर है. ठीक है, एनसीईआरटी में दिस इज द थर्ड चैप्टर. और आपको पता है कि मैं आपके साथ आरडी शर्मा फॉलो करता हूँ, तो
आर डी शर्मा में इट स्टार्ट विद फोर्थ चैप्टर राइट, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो हम लोग अभी शुरुआत यहां से करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके आइए देखते हैं, लेट अस सी विद दिस, आइए लेट्स प्रोसीड विद दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स राइट। इसमें मैंने चार चीजें लिख रखी हैं, ये तुम्हें कुछ ध्यान से आ रहा होगा, ये तुमने पढ़ रखा होगा राइट, यू मस्ट हैव यूज्ड इट सेवरल टाइम्स राइट। क्या है ये, कंपास है, प्रोटेक्टर है, व्हाट इज दिस, प्रोटेक्टर, यस प्रोटेक्टर राइट। कुछ देख के अच्छा सा लगा होगा, अरे हाँ ये तो मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में था, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोटेक्टर, इसमें क्या होता है राइट, प्रोटेक्टर में हम लोग कैसे मेजर करते थे, बिल्कुल देखो जो भी चीज तुमने पढ़ी है ना उससे रिलेट करके पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉलेज को अगर तुम रियल सेंस में आगे बढ़ाना चाहते हो ताकि तुम्हारे मार्क्स भी आए राइट, दोज हु हैव जॉइंड लेट राइट, मैं उनको बताऊं कि मैथमेटिक्स में नॉलेज रखना एक चीज है और मार्क्स स्कोर करना दूसरी चीज है, ठीक है। कई तुम ऐसे लोग देखोगे जो जिनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है लेकिन बेचारे मार्क्स नहीं ला पाते, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज तो बड़ी कम होती है लेकिन उनको मार्क्स लाना आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी मार्क्स भी प्रॉपरली आ रहे हैं। मार्क्स लाने के लिए थोड़ा साइंटिफिकली अप्रोच करना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस है किस तरीके से मार्क्स लाने, और नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली आप अगर सही तरीके से हर चीज को पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ही नॉलेज आती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई एंगल मेजर करना है, लेट्स से मैंने ये इस तरीके से कुछ बनाया है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जब मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा, दिस इज 90 डिग्री। सिमिलरली सपोज करो ये एंगल जो है ये कहीं इधर इधर से होगा राइट, यहाँ कहीं पे होगा, ये डायग्राम बड़ा अच्छा नहीं बना राइट, सपोज करो ये इधर कहीं पे होता, ये एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, 50 और 60 के एग्जैक्टली बीच में, कैन आई से इट इज 55 डिग्री राइट। तो ये चीजें वो हैं जो आपने डेफिनेटली कर रखी है, ठीक है, आपने डेफिनेटली कर रखी है। हाँ यहाँ पे थोड़ा हमें समझना है क्या है एंगल, हम लोग कैसे देखते हैं, इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सेंस ऑफ एन एंगल, इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपने बेसिक क्लासेस में कर रखी हैं और ये वो चीजें हैं जो अब आपको समझना है कमिंग इन क्लास 11, ठीक है, और ग्रेजुअली यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चले जाएंगे। तो लेट्स से आप यहाँ पे दो रे लेते हो राइट, आपने पढ़ रखा है क्या, आपने लाइन पढ़ी है, आपने लाइन सेगमेंट भी पढ़ी होगी राइट, वन इज लाइन द अदर इज लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के साथ साथ आपने रे भी पढ़ी है, ठीक है। लाइन क्या होता है बेटा, इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ द साइड्स एंड द लेंथ इज इनफिनाइट। रे क्या होता है, इट एक्सटेंड्स ऑन वन साइड एंड द लेंथ इज इनफिनाइट। लाइन सेगमेंट क्या है, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ राइट, इट डज नॉट एक्सटेंड इनफिनाइटली। ओके एक लाइन का वो सेगमेंट होता है राइट, अगर मैं इस लाइन के छोटा सेगमेंट ले लूं तभी इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो रे कंसीडर करोगे राइट, एक रे को आपने फिक्स कर दिया, जिसको आप फिक्स कहते हो, इसको भी आप फिक्स करते हो, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप इनिशियल साइड कहते हो, ठीक है, उसको आप इनिशियल साइड कहते हो, दैट इज योर इनिशियल साइड जो भी फिक्स्ड है, ठीक है। और जो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, रे है ना, मैंने क्या बोला, मैंने एक रे कंसीडर किया है, ठीक है, ये इनिशियल साइड है। अगर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, अब ये मेरे ये पॉइंट फिक्स्ड है, मैंने इसको पाइवोट कर दिया राइट, जैसे ये तुम्हारा ये ना राइट, दिस इज योर लेट्स से ये वाली रे है, ठीक है, ये रे इधर को जा रही है, दिस मूविंग दिस साइड, ओके इट्स कमिंग दिस साइड, आई कैन मूव इट इनटू रे, इफ आई फिक्स दिस पॉइंट, दिस वन, इफ आई फिक्स दिस पॉइंट, तो क्या होगा, इधर इट विल मूव दिस साइड और इट कैन मूव दिस साइड बिकॉज़ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ओके, इट कैन मूव इधर दिस साइड और दिस साइड, that means I can say it can move in two directions, either I say clockwise or I say it is anti-clockwise, okay? तो देखो बेटा, suppose करो मैं anti-clockwise move करता हूँ, anti-clockwise कैसा होता है बच्चों, like this, right? घड़ी की सुई के opposite, that is anti-clockwise. तो अगर मैं anti-clockwise move करता और इसी ray को घुमा के let's say मैं यहाँ पे ले आता, ठीक है, तो इस ये जो जहाँ पे भी रुकेगी ना, initial मतलब to start, terminal मतलब that is where it ends, तो ये जहाँ पे ये terminal point है, राइट टर्मिनल साइड है, तो इस इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, इसी को हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो सेंस ऑफ एंगल है राइट, जब कभी भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखते हैं बेटा,
राइट आई एम श्योर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम भी बचपन में 9th-10th क्लास में इंट्रोड्यूस जरूर से कर रखा है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओरिजिन, नेगेटिव साइड इज एक्स डैश, पॉजिटिव साइड इज व्हाट, नेगेटिव साइड ऑफ वाई इज व्हाट, अगेन वाई डैश। तो इस तरीके से होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो मैंने ये कहा कि कभी भी अगर आप विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करोगे, ठीक है, इस पॉइंट को, इस रेफरेंस को, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल साइड। ये ओरिजिन जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन, ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल साइड, लेट्स कॉल इट आई एस। और टर्मिनल साइड अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा बेटा, तो डेफिनेटली मैं इधर कहीं पे मूव करूंगा या फिर थोड़ा और ज्यादा घुमाऊंगा तो फिर यहाँ चला जाएगा, राइट, ऐसे तो रोटेट होगा, बट ये सब के सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ द एंगल, राइट, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ द एंगल। मेजरमेंट ऑफ द एंगल तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो घूम रहा है, ठीक है। सेंस ऑफ द एंगल अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज वाइस वर्सा दैट मींस इट इज क्लॉकवाइज, इफ इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इट इज टेकन एज नेगेटिव, द सेंस इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसके रेफरेंस में इसको इधर को रोटेट करूंगा, तो अगर ऊपर वाला एंगल मेरे पास थीटा था, तो नीचे वाला एंगल मेरे पास माइनस थीटा होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। इफ यू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव, इफ यू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट इनिशियल साइड क्या होता है, टर्मिनल साइड क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, सेंस ऑफ एंगल क्या है, ये सारी बातें हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप दैट इज ओके चिल्ड्रन, राइट, मोस्ट बेसिक थिंग्स, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। मैंने आपसे कहा कि तीन सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स हैं जो आपको क्लास 11th और 12th और IIT सब जगह पे यही तीन है, इससे आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। सेक्सागेशनल द वन दैट यू हैव बीन स्टडिंग, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज द ब्रिटिशर्स गेव इट, ब्रिटिश सिस्टम कह लो या और ज्यादा कॉमनली वर्ड है इंग्लिश सिस्टम, राइट, इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ओके, इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सेंटेसिमल ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा, इसमें आपकी जो प्रिंसिपल यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, इट इज डिग्री, ठीक है। आपको मालूम है कि ये डिग्रीज में ही मूव कर रहा है ना, ये कितना है, ये अगर मैं ये एंगल ड्रॉ करूँ ये देखो कि कितना है, दिस 10 degree। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ ये कितना हो गया, 20 degree, एंड सो राइट, 30 degree, एंड सो ये स्ट्रेट है, मैंने स्ट्रेट बना दी, ठीक है। थोड़ी सी ये लेफ्ट साइड पे भाग गई, उसको और इधर को होनी चाहिए थी, ठीक है, उसको ठीक कर देते हैं, तो अभी ये कितनी हो गई, ये 90 degree होगी, ठीक है, दैट इज योर 90 degree। तो यहाँ पे ये डिग्री में आप लोग कंफर्टेबल हैं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, राइट। सेक्सागेशनल जो सिस्टम है इसमें आप कंफर्टेबल है बिकॉज ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे आपने अभी नई चीज सीखनी है इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या सिस्टम है, इनमें क्या रिलेशन है, क्या चीजें हैं, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स से आई टॉक अबाउट सेक्सागेशनल सिस्टम, मैं पहले इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले सबसे पहले इसकी बात करता हूँ बेटा, तो आपको मालूम है कि इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, डिग्री, राइट, इट इज डिग्री, जनरली डिनोटेड बाय अ स्मॉल जीरो एज सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स डिग्री, तो क्या एक्स और ऊपर छोटा सा जीरो, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिनोशन क्या बोलते हैं, एक्स डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज एक्स डिग्री एंड दिस इज डिनोटेड लाइक दैट, ठीक है। इसमें आप सब लोग कंफर्टेबल हैं, ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो चीजें ध्यान देने वाली हैं, जैसे लेट्स से तुम्हें एक लेंथ मेजर करना है बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ एक एक पीस ऑफ क्लोथ चाहिए, एक पीस ऑफ क्लोथ चाहिए, तो आप उसको कैसे मेजर करोगे, शायद मीटर में, यू विल से सर 1 meter 2 meter ऐसी चाहिए ना, लाइक कपड़े तो जनरली मीटर में ही होते हैं, और मुझे डिस्टेंस करना है, यहाँ से मुझे जो है लखनऊ जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ सर इट इज ऑलमोस्ट 225 kilometer, राइट, मैंने यूनिट चेंज कर दिया, हालांकि इनके बीच में रिलेशन है, आई एम श्योर यू नो दैट 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meters, बट हमने यूनिट चेंज कर दिया ना, डिपेंडिंग ऑन दी यूसेज, कि यूसेज क्या है। सिमिलरली अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस पेन की लेंथ लेनी है, इस पेन की लेंथ लेनी है, तो क्या मीटर में लूंगा, नहीं, अब मैं क्या यूज करूंगा, परहैप्स सेंटीमीटर या फिर इंच, राइट, या फिर इंच, डिपेंड्स,
तो हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं बच्चों, दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं. इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी वेरी लार्ज. अगर मैं यहाँ से सन का लेंथ आपको देखना हो तो क्या करोगे, हो सकता है मैं किलोमीटर यूज करूँ या फिर हो सकता है मैं माइल्स यूज करूँ, राइट. तो डिपेंड्स, हमेशा कोई मतलब हम किसी भी चीज को किस रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा यूनिट्स पिक करते हैं. तो जब एंगल ठीक ठीक है, 1 degree, 2 degree, 1.5 degree, दैट इज ओके. बट अगर मैं बोलूं 1/36 degree, तो इट डजंट लुक गुड, राइट. इट डजंट लुक गुड. जैसे 1/2 degree तो फिर भी चलेगा, 1/2 degree इज व्हाट इट इज, 0.5 degree, ये तो ठीक है चलेगा. 1 degree, 2 degree, 90 degree, 30 degree, ये सब तो तुमने पढ़ रखा है, राइट. आई एम श्योर तुमने 0 degree बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तुमने 30 degree बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तुमने 45 degree बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 60 पढ़ा होगा और 90 पढ़ा होगा. आई एम श्योर ये 4-5 चीजें तो बच्चे पढ़ के आते हैं 10th class तक. उसके आगे कहानी अब शुरू होती है जहां तुम्हें बहुत ध्यान से हर चीज को सीखना है, ठीक है. और मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है. बस तुम्हें सिर्फ हर चीज को समझ के करना है, तो हर चीज तुम्हें सिंपल और इजी लगेगी. मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट दैट इज देयर इन योर सिलेबस, बिलीव मी. वेदर यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स ऑफ साइंस डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट. एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एवरी पॉसिबल सेंस, ठीक है. तो ये 0.1/2 degree है, कितना लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने 0.5 degrees. और अब मैं 1/36 degree को करना चाहता हूँ, तो ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन आएगी ना. तो जब कभी भी हमें छोटे एंगल्स मेजर करने होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है. जैसे एक 1 kilometer इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 meters होता है. उसी तरीके से बेटा 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes बोलते हैं, राइट. इसको बोलते क्या, इसको मिनट्स बोलते हैं. ये वो वाला मिनट्स नहीं है टाइम वाला, ये एंगल के लिए जो यूनिट होती है इसको भी मिनट्स ही कहा जाता है. यानी कि अगर मैं 1 degree वाला ये जो एंगल है, 1 degree इज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, राइट. ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है. तो 1 degree को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ना, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 minute होगी, ओके. सिमिलरली अगर हमें कोई और छोटी सी एंगल मेजर करनी है, उससे भी छोटी मेजर करनी है, ठीक है, तो फिर हम इस मिनट को फर्दर ब्रेक करते हैं, 1 minute, राइट. एक ऊपर तुमने डंडा लगा दिया तो ये मिनट बन गया, ध्यान रखना, ठीक है. 1 minute इज फर्दर इक्वल टू 60 seconds. डबल डॉट लगाया तो इस यूनिट को क्या बोलोगे बेटा, 60 seconds, राइट. 60 seconds. तो ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए. स्कूल लेवल पे इस पे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे. अब जैसे ही मुझे ये बात पता लग गई, तो मैं अब देखो ये जो एंगल था, दिस पार्टिकुलर एंगल 1/36 degree, अगर मैं बोलूं कि भाई 0.5 degree, तो 1 degree में 60 minutes है, तो 0.5 into 60, बेसिक अरिथमेटिक्स लगा देंगे, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.5 degree इज नथिंग बट 30 minutes. सिमिलरली 1/36 degree इज नथिंग बट into 60 करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, राइट. आई एम गोइंग टू डू व्हाट, दिस 1/36 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 10/6 आ गया, राइट. इसको मैं या तो 10/6 बोल दूं या फिर मैं इसको 5/3 बोल दूं. क्या 5/3 व्हाट, मिनट्स. 5/3 को मैं फर्दर अगर ब्रेक करना चाहो तो कर लो, 5/3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.66. एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. आपके स्कूल एग्जाम में इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ, ठीक है. इस पार्टिकुलर हर चीज को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे बच्चों, राइट. इफ यू वांट टू राइट इट, इफ यू हैव रिटन वेरी गुड, इफ यू हैव नॉट रिटन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट. आई विल क्लियर द स्क्रीन टू गिव यू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. Fine. Otherwise also, I generally record my videos, right? Just to make sure ki if anyone needs that video at any later stage, so it is there in my database. ठीक है, ये live classes record हो रही होती हैं, ताकि तुम कभी भी इसको तुम्हें चाहिए revision के लिए और तुम मेरे से demand करोगे तो मैं तुम्हें ये share कर दूंगा. अभी 12th class के बच्चों ने demand किया था, because उनका batch चलते हुए around 1.5 months हो गए, तो start मैंने उनका test लिया था, तो test के लिए उन लोगों ने बोला सर revision videos दे दो, तो मैंने उनको दिया था. आज ही मैंने 4 videos upload किए क्लास 12th के बैच पे, ठीक है. लेट मी टेल यू, आप भी वहाँ पे आ जाना, राइट. आई विल टेल यू द चैनल ऑन यूट्यूब जहाँ मैं वीडियोस डालता हूँ, ऐसे नहीं डालता हूँ, बट हाँ कभी कोई बच्चा डिमांड करता है कि हाँ सर उस टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. तो प्रेप मास्टर्स इस नाम से हमारा चैनल है, राइट, यूट्यूब पे.
बल्कि यूट्यूब और गूगल में तुम अगर सिर्फ अपने टीचर का नाम भी लिखोगे ना, तो गूगल एज वेल एज यूट्यूब सबसे पहले तुम्हें मेरा नाम ही सजेस्ट करेगा, राइट? जो डोंट राइट ऋषि देव, बिकॉज एक्चुअली ऋषि देव इज एन एक्टर, राइट? तो फर्स्ट सजेशन वो चला जाएगा, बट अगर तुम इंजीनियर ऋषि देव लिखोगे तो सबसे पहले सर्च रिजल्ट में मैं ही आऊंगा। इफ यू राइट ER.rishidev गूगल और यूट्यूब पे भी, तो फिर मैं ही मिलूंगा, है ना? और चैनल का नाम क्या है? प्रेप मास्टर्स। तो इसमें आप चले जाना, इसमें प्लेलिस्ट में 11th की प्लेलिस्ट भी बनी है, बट वो इस साल की नहीं है, लास्ट ईयर की है। इस साल की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई नहीं है, बिकॉज ये बैच अभी फ्रेम हो रहा है। हाँ, मेरे पास वीडियोस सारे हैं, ठीक है? तो ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जैसे 12th का बना हुआ वैसे 11th का बना दूंगा, ओके? देखो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन। अभी जो हमने पढ़ा है यूनिट रिवीजन पे, उस पर एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास एक, मैं एंगल दे रहा हूँ, राइट? दिस इज 34.56 degrees. Convert them into degrees. How many degrees? How many minutes? And how many seconds? Tell me the answer fast. I'm waiting. Let me resume the record. So 34 degrees already available to you. अब मुझे 0.56 को देखना था, तो मैं इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, राइट? मुझे मालूम है that 1 degree is equal to 60 minutes. So मैं अगर 0.56 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे? मिनट्स मिल जाएंगे। मैं तो 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा? 6 6 36 carry 3 30 plus 3 is 33, right? So it is coming out to be 33.6. Is it okay, children? It is coming out to be 33.6. Okay? तो अब क्योंकि ये 33.6 है, तो ये जो इसका इंटीग्रल पार्ट है ये क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू 33 मिनट्स। अब ये 0.6 मिनट्स हैं बेटा। आपको मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो जब मैंने इस 0.6 को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं फिर से किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हिच इज नथिंग बट 36। तो बेटा यहां तुमसे छोटी सी गलती हो गई, इट शुड बी 36। तो आंसर इज व्हाट? 34 डिग्री, 33 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। एम आई बीइंग अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है तुम्हें? ध्यान से देखो, बहुत बेसिक बात है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है? अब मैंने बोला कि 34.56 डिग्री को मुझे तुम मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है? तो उसके लिए 34 डिग्री वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, वो मैंने एज इट इज लिख दिया था, ठीक है? 0.56 डिग्री, मैं कभी भी अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स कहता हूँ, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट कहूंगा बेटा? 60 इनटू x कहूंगा, नहीं कहूंगा? बेसिक अरिथमेटिक्स, राइट? 60x मिनट्स होंगे कि नहीं? तो 0.56 डिग्री के लिए मैंने मिनट्स देखना है, बिकॉज़ ये तो डिग्री है ही है। तो 0.56 डिग्री को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? इट इज कमिंग आउट टू बी 33.6। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना है? 33 मिनट्स। अब ये जो 0.6 है, ये फिर से एक छोटी सी वैल्यू है, इसको मैं और छोटे वाले यूनिट में मेजर करूंगा। इससे छोटा वाला यूनिट कौन सा है मेरे पास? सेकंड। तो मैंने देखा ये 0.6 जो मेरे पास अभी मिनट्स में है, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगेन बाय 60। सो 0.6 into 60, what is that? That is coming out to be exactly 36, right? This decimal will be absorbed by this zero. So 6 into 6 is what? 36. So what is the answer, children? It is 34 degree, 33 minutes and 36 seconds. Is it understood? Yes, sir. Sure? Yes, sir. So why we have not multiplied 34? Why we have only multiplied 0.56? ठीक है, I'll give you the answer in the form of a question. Tell me, अगर मैं तुमसे बोलूं 1.5 किलोमीटर को तुम किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा? 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी है ही ना, 0.5 किलोमीटर किलोमीटर नहीं है, उसको मीटर में करोगे तो 0.5 को किस में अप्लाई करोगे? 1000 से अप्लाई करोगे, कितना? 1000 into 0.5 is what? 500. I hope I answered your question, right? ये तो already degree में है ना बेटा, this is 34.56 degree, so this is already in degree, this is 1 kilometer, this is already 1 kilometer. अब ये जो 0.5 किलोमीटर है, ये जो decimal part है जो किलोमीटर में नहीं है, right? उसे मैं मीटर में लूंगा ना, something which is not in kilometer will be converted to meters. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. That is wonderful. Shabash. Thank you. Now, एक चीज मैंने और लिखी है यहाँ पे,
राइट, मैं स्क्रीन पे हर बार जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है वो लिख लेता हूँ, सो दैट आई कैन रिमेम्बर, आई शुड नॉट मिस आउट विद एनीथिंग, राइट। तो ये नीचे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एंगल रेडियस एंड आर्क सबटेंडेड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगल रेडियस एंड आर्क सबटेंडेड, ठीक है। इस चीज को चलो अभी सर्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, राइट, इसको सर्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, दैट विल मेक मोर सेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट इज योर सेंटेसिमल, राइट, सेंटेसिमल सिस्टम। डिग्रीज तुम्हें पहले ही आता था, ये नई चीज है जो तुम अभी शायद पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। जैसे वहां पे डिग्री होते हैं, एक सिंपल जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है वहां पे क्या है, डिग्री। यहाँ पे जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड ग्रेड, राइट, इट इज कॉल्ड ग्रेड। और यहाँ पे ये जब हम 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे ना, अरे ये एंगल बड़ा नहीं बढ़िया, मैं इसको फिर से बनाऊंगा, लेट मी मेक अ बेटर एंगल, अरे फिर से खराब हो गया, कोई बात नहीं, ये लास्ट ट्राई, कोई बात नहीं, अब जो बन गया वो बन गया, ठीक है, नो इश्यूज, बहुत ज्यादा बुरा, चलो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ये आपका एंगल है, मैं ऐसा करता हूँ इधर 0 डिग्री को भी जो है बड़ा कर देता हूँ, तो कुछ 90 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। ये मैंने 0 को आगे बढ़ा दिया, तो मैं एक्चुअली बनाना क्या चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इट्स कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल। क्योंकि ये चीज आपको बड़े आसानी से समझ में आती है, और इससे जब मैं इस नए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। अभी तुमने देखा कि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या बन जाता है, मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सिमिलरली जब ये जो एंगल है राइट एंगल का, जब मैं इसको 100 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 100 पार्ट में, तो एक पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड्स, दैट मींस अ राइट एंगल, 1 राइट एंगल is nothing but equal to 100 grades, or you can also say it is equal to 90 degrees, ठीक है? मतलब अगर मैं इसको, इस ये वाला जो angle है, right? Let me draw it here. अगर मैं degree में लेता हूँ बेटा, right? Scale पे तुम देखते होगे ना? Scale पे देखते होगे कि जब inches में है, तो उसमें number of pieces अलग होते हैं, centimeter में है, तो अलग तरीके से हम लोग measure करते हैं, उसी length के लिए अलग अलग होती है, तो इसी angle के लिए जब मैं डिग्री में करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको 90 पार्ट में डिवाइड करता हूं, इट इज 90 डिग्री। और जब मैं ग्रेड में करूंगा तो मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। और ये जो नया सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटेसिमल सिस्टम बोलेंगे, राइट। व्हेन दिस इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, देन वन पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट चिल्ड्रन, ठीक है, 1 पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्रेड। सिमिलरली जैसे आपके पास डिग्री में स्मॉलर यूनिट्स हैं मिनट्स और सेकंड्स, वैसे ही यहाँ सेंटेसिमल सिस्टम में भी आपके पास स्मॉलर यूनिट्स हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहाँ यहाँ पे भी उसको मिनट्स और सेकंड्स ही बोलते हैं, बट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट। यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड, ठीक है। तो ये अगेन यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं। हालांकि आईआईटी जेई में अभी एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ इस क्वेश्चन को, वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक तो मेरे से दोबारा बोलना कि सर बताओ इसका आंसर क्या होगा। आईआईटी में एक क्वेश्चन इस पे आ रखा है, राइट, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, राइट, क्योंकि बिकॉज इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, one of the angles is x degree and the other angle is x grade, right? You need to find what is the value of x. That was the question asked in IIT, ठीक है? तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर तुम्हें डिस्कस करना, मैंने बोल रखा है कि IIT क्वेश्चन हम लोग कब डिस्कस करेंगे, सैटरडे, ठीक है। क्वेश्चन बस याद से लिख लेना, ट्राई करना, ठीक है। आज की क्लास के बाद तुम इसको करने के लिए कैपेबल होगे, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अभी मैं जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाऊंगा, यू आर 100% कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आफ्टर टुडेस क्लास। हो जाता है, वेरी गुड, नहीं होता है मुझे याद दिलाना, मैं डेफिनेटली तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से करना है, ओके। क्योंकि बाई चांस ये चीज चल रही थी तो मुझे याद आ गया कि भाई इस पे क्वेश्चन आईआईटी में भी आ रखा है, है ना? हाँ, सिर्फ लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। यहाँ पे भी ऐसे यूनिट कन्वर्जन होता है बेटा, जैसे सपोज करो आपके पास, अगर मैं आपको देता हूँ वैसे 38.5
3, 6, 9 grades. And I want you to tell me this is equal to how many grades, how many minutes, and how many seconds. Okay, I'll tell you because I'm sure आपको ये बात अब पता लग चुकी है. इसलिए मैं just for the sake of understanding it better, I'll give you just one example. So 38 degrees straight away. 369, जब मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 0.369 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से. ठीक है, 0.369. Right, I'll multiply it by 100. Now, अब जो मुझे यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, that is definitely what? That is the minute. It is 36 minutes. और ये जो डेसिमल पार्ट है, इसको मैं फर्दर जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, that is 0.9, तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड मिलेंगे. So that is going to be what? 90 seconds. I'm sure तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा होगा. It is what? Yes. 38 grades, 36 minutes, and 90 seconds. That is how you proceed when you are supposed to convert these things. These small things are really important for school exams. Okay? School exam में ये चीजें importance रखती हैं. Okay? और IIT में भी importance रखती हैं. अगर basic ही clear नहीं होगा तो IIT कैसे कर लोगे? Okay? So that was about your centesimal system. Let's move ahead to the most important system. Right? Very, very important system. Which is your circular system. Right? I don't find circular system here. Okay. Maybe I have missed the slide. मैंने circular system यहाँ पे नहीं बनाया. कोई बात नहीं. मैं ऐसे ही आपको बता दूँ. No issues. I'll just clear this to introduce circular system to you. Circular system is the most important system. पूरे पूरे 11th, 12th, IIT किसी भी competition में आप जो सबसे ज़्यादा use करते हो वो circular system ही use करते हो. Right? सेंटेसिमल हमने कर लिया, यहाँ पे हम लोग कौन सा कर रहे हैं? सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट. राइट, सेक्सागेसिमल द यूनिट वाज डिग्री, सेंटेसिमल द यूनिट वाज ग्रेड्स, सर्कुलर सिस्टम द यूनिट इज रेडियन. राइट, अगर आपने एसआई सिस्टम के बारे में सुना है तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो स्टैंडर्ड एंगल यूज होता है, जैसे मीटर यूज होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर यूज होता है, तुमने 9th-10th में जरूर से पढ़ा होगा ये सब चीजें. एंगल के लिए वहां पे रेडियन ही यूज होता है बच्चों. ठीक है, तो एसआई सिस्टम में जो एंगल मेजरमेंट के लिए होता है वो रेडियन यूज होता है. सॉलिड एंगल के लिए क्या यूज होता है? स्टेरेडियन. राइट, इट इज स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल्स. ठीक है, फॉर एंगल्स इट इज रेडियन. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पूरे कैलकुलस में आप सिर्फ रेडियन यूज करोगे, हर जगह पे आपको रेडियन ही मिलेगा. कमिंग फ्रॉम क्लास 10th, आई एम 100% श्योर यू आर very comfortable in degrees, but now onwards, this time onwards, you have to make sure that you are comfortable in radians. ठीक है, आओ इसको समझते हैं और देखते हैं. Radian, इसकी acceptance इतनी ज़्यादा सिर्फ इसलिए है, because यहाँ पे हमें right angle का सहारा नहीं लेना पड़ता. यहाँ पे पता है radian की definition क्या होती है? अगर आप book देखोगे, तो radian की definition होती है that in a circle, right? If you draw an arc on the circle, which is equal to the radius of the circle, right? This is the radius, and this is the arc, right? ठीक है? So this angle is called one radian. इसको कैसे represent करते हैं? जैसे वहाँ zero था, यहाँ पे c है, ठीक है? वहाँ क्या था? One degree was कैसे लिखते थे आप? ऐसे लिखते थे. यहाँ one radian को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे. ठीक है? तो ये ध्यान रखना. तो वन रेडियन की डेफिनेशन क्या दी गई? दैट इन एनी सर्कल, नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, इन एनी सर्कल, वेदर द सर्कल इज स्मॉल और द सर्कल इज वेरी लार्ज, डजंट मेक अ डिफरेंस. राइट, इन केस यू नीड टू मेक वन रेडियन, नो इश्यूज, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज द रेडियस, एंड इफ यू ड्रॉ एन आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट, व्हिच इज ऑफ द लेंथ आर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज आर, ठीक है, then this angle is compulsorily one radian. ठीक है, that is one radian. ठीक है, इसको हम लोग one radian की definition कहते हैं. और यहाँ से मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में आएंगी. Suppose करो जैसे ये angle बेटा theta होता, और ये length तुम्हारे पास l होती. ठीक है, ये length तुम्हारे पास कितनी होती? l होती. ठीक है, तो अब देखो problem यहाँ पे क्या आती ना, ठीक है, I'll definitely come to this. लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये radian की थोड़ा सा और comfortable करना चाहूँगा. जैसे तुमने देखा ये एंगल तुम्हें लगभग दिख भी रहा होगा कि अरे यार ये कितना है, ये 30 से तो ज्यादा है, 90 से तो कम है ना, बिकॉज हमने एक रफ डायग्राम बनाया है. 90 से तो कब है, क्या कहाँ पे होगा ये 60, 70,
50 इसी के आसपास ही तो होगा अगर मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट डायग्राम बनाऊंगा तो। अगर मैं इसको उठा करके यहाँ प्रोडक्टर में रख दूं, अगर मैं इस एंगल को उठा के यहाँ प्रोडक्टर में रख दूं, राइट, इफ आई पुट इट हियर विद दिस लाइन स्लाइटली बेटर, राइट, ये लाइन थोड़ी सी और इधर टिल्ट होगी, है ना, ये थोड़ा और बेहतर मैं अगर बनाता, चलो कोशिश करके देखता हूँ, लेट मी डू इट फॉर यू, राइट, एग्जैक्टली कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, राइट, लेट्स से इट इज हॉरिजॉन्टल, और ये अगर इसकी लेंथ आर है और मैं यहाँ पे ये आर लेंथ का आर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, राइट, एज यूजुअल वी वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो इफ दिस इज आर, इफ दिस लेंथ ऑफ द आर्क इज आर, देन वी अंडरस्टैंड कि ये जो एंगल है यही वन रेडियन है। चलो अब इसको उठा के ले चलते हैं कहाँ पे, प्रोडक्टर पे, और देखते हैं कि है कितना, कितना बन रहा है, लेट अस सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अरे वाह, ये तो थोड़ा सा ठीक ठाक सा डायग्राम बन गया। ये देखो क्या बन रहा है, ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो ध्यान रखना जो वन रेडियन होता है ना बेटा, वन रेडियन जो तुम्हारा एंगल होता है, राइट, वन रेडियन जब आप उसको मेजर करोगे तो वो एग्जैक्टली तो नहीं, रफली 57.32 डिग्रीज के आसपास आता है, ठीक है। वन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 57.32 डिग्री। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन दिस रेडियस, तुम्हें रिलेशन समझ में आना चाहिए, राइट, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई, तुम्हें उठा करके प्रोजेक्टर में एंगल बिठा के दिखा दिया कि हाँ देखो इस तरीके से देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट। अगर ये आर डेफिनेटली, अगर ये मेरा आर है तो ये वाली आर ना थोड़ी और आगे जानी चाहिए थी, राइट, तभी ये मेरा ये एग्जैक्टली 57 पे चला जाता, यहाँ कहीं पे जाता, राइट। अगर ये तो अब ये लेंथ जो आएगी ना, ये वाली लेंथ जो आएगी, अब ये जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली आर होगी। If this angle is 57.32 degrees, then definitely the length of the arc is what? It is always equal to the radius of the circle. Always, ठीक है? तो ये वाली बात आपको यहाँ से समझनी है कि one radian और degree में क्या relation होता है, ठीक है? आपको जो आता है, मैं पहले उस पे आता हूँ। आपको क्या आता है बेटा? आपको ये आता है कि one right angle is equal to 90 degree. ये आपको बचपन से आता है. Since your 9th and 10th. और अभी आपने एक और चीज सीखी, that this is equal to 100 grades. और अब आप एक चीज और सीख गए अभी, क्या? That this is equal to pi by 2 radians. Pi क्या है? वही है पुराना यार, वही पाई है, क्या है ये? 3.14. ये कुछ अलग नहीं है, this is वही 3.14. अगर तुम यहां से इसको वेरीफाई करोगे ना, that pi by 2, that means 3.14, देखो मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, I'm erasing this part of the screen, right, this one, ये जो circles वगैरह हैं, the projector is already there, fixed है वो तो, बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो pi by 2 radians है, this is equal to 90 degree, अभी आपने ये चीज़ देख ली, कि ये जो है 1 radian, आपने exactly इसको conceptually देखा, कि ये कितना approximately degrees में कैसे आता है। तो मैं इस बात को भी समझता हूँ दैट पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अगर मैं 3.14 रेडियंस यहाँ पे रखता हूँ, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बच्चों 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिवाइडेड बाय 3.14, डू इट आफ्टर द क्लास, यू विल फाइंड इट दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी 57.32 --. तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो 57.32 डिग्रीज निकलता है, उसके पीछे का ये रीजन है। दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिट कन्वर्जन, ये आप जरूर से ध्यान से अपने नोटबुक में लिखो, राइट। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ये एडवाइस दी थी कि क्लास जब अटेंड कर रहे हो प्रॉपरली चेयर पे बैठ के अटेंड करो, राइट, विद पेन एंड पेपर इन योर हैंड, स्क्रीनशॉट्स, फोटो खींचने की हैबिट जो आज की जनरेशन में है, इट इज नॉट गुड फॉर योर स्टडीज एंड लर्निंग, राइट। जो नोट्स, जो काम आपके नोट्स करते हैं ना, जब आप चीजों को लिखते हो तो आप उसको बेहतर समझते हो, ध्यान रखना, राइट। आई हैव आल्सो बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी इन क्लास 11th एंड 12th, माय सब्जेक्ट वाज साइकोलॉजी इन क्लास 11th एंड 12th, तो वहां पे मैंने ये चीजें पढ़ी हैं कि व्हेन यू रीड देन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू रीड एंड देन यू राइट अगेन यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। सो प्लीज मेक श्योर व्हाइल यू आर लिसनिंग यू अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू राइट इट अगेन एंड देन इफ यू रिवाइज इट अगेन इट इज परमानेंट, राइट। When you revise it, you practice sums on that, it becomes permanent. ठीक है? मतलब उसकी जो forgetting period है वो बहुत लंबी हो जाती है, आप बहुत time के बाद उसको forget करो, ठीक है? But आपने अभी class attend किया, बाद में revise नहीं करोगे, practice नहीं करोगे तो भूल जाओ, ठीक है?
मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट नीड्स रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, दैट इज ऑल। अगर आप ये दो चीजें रखोगे, आप कैसे भी मैथ्स में अभी तक रहे हो, बिलीव मी आप बहुत अच्छे हो जाओगे। यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूं, आई एम श्योर तुम्हें से, चलो जरा बातें करते हैं थोड़ी सी, लेट मी स्टॉप द वीडियो एंड लेट मी टॉक टू यू, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो मैंने ये बनाया, वन राइट एंगल इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई टू रेडियंस। और रेडियन में क्या रिलेशन होता है डिग्री के साथ, ये भी हमने देखा। ग्रेड के साथ क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इस वाली चीज को आइए हम अभी आगे लेके चलते हैं और वहां पे भी इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों एवरीवन? यस सर, यस सर, वंडरफुल वंडरफुल फैंटास्टिक, ठीक है बेटा। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन योर एंगल्स, राइट। मैं इसको चाहूं तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं दैट टू राइट एंगल्स, राइट, टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स इज इक्वल टू पाई रेडियंस। टू राइट एंगल मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आई एम श्योर यू नो दैट टू राइट एंगल इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज 180 डिग्री, राइट। टू राइट एंगल, वन राइट एंगल इज दिस साइड, अनदर राइट एंगल इज दिस साइड, राइट। So that is two right angles is equal to what? 180 degree, 90 plus 90. Or you can say it is 200 grades. Or you can say it is pi radians, right? It is pi radians. Ab yahan pe, it is time when we learn a very, very important thing. Jisse hum log sun, moon, kisi bhi planet ka diameter nikal sakte hain. Ya agar diameter pata ho toh distance nikal sakte hain, right? A very, very useful and important thing. Very basic thing and useful thing. Abhi tumne padha kya? Circular system of measurement, right? तुमने अभी भी पढ़ा सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लेट मी ड्रॉ अ बेटर सर्कल, राइट। आपने देखा कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, राइट, वो किस पे डिपेंडेंट है? वन रेडियन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ओवर द रेडियस, ठीक है। तो जब ये लेंथ ऑफ द आर्क आर होता है तो हमारे पास जो एंगल आता है वो कितना आता है? वन रेडियन। ध्यान रखना, अगर ये आर के अलावा सिंपल एल है और रेडियस तुम्हारा आर है तो इनके बीच में रिलेशन होता है दैट थीटा रेडियंस इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा रेडियंस इज इक्वल टू व्हाट? एल ओवर आर। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क दैट हैज बीन सबटेंडेड बाय दिस थीटा एंगल। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज इन रेडियंस, इट इज नॉट डिग्री, इट इज नॉट ग्रेड्स। लेट मी रिलेट इट टू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। जनरली जब हम किसी जानने वाली चीज से रिलेट करते हैं ना तो वो बेहतर समझ में आता है। सो लेट मी रिलेट इट फॉर यू। देखो बेटा, अगर मैं इस एंगल को कंप्लीट एंगल बनाऊंगा तो आई एम श्योर यू विल से सर दिस एंगल इज 360 डिग्री। विल यू से दैट? यस, यू शुड से दैट, राइट। एंड 360 डिग्री क्योंकि ये एंगल मेरे पास रेडियन में है, 360 डिग्री और रेडियन के बीच का मुझे रिलेशन मालूम है। 360 डिग्री शुड बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियंस, करेक्ट और नॉट? राइट। तो जब कभी मैं अगर कंप्लीट एंगल बनाऊंगा तो ये लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। सो व्हेनेवर द एंगल इज 2 पाई रेडियंस देन द लेंथ ऑफ द आर्क बिकम्स द सर्कमफेरेंस एंड दैट इज योर रेडियस एंड यू नो दैट सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर। ये तुमने जरूर पढ़ा है लेकिन तुम्हें इसके पीछे का रीजन आज पता लगा कि ये फॉर्मूला आखिर निकलता कैसे है, हाउ डज इट कम एंड व्हाई डज इट कम। बातें समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। So this, जब कभी भी आप रेशियो लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस, ऑलवेज बी वेरी क्लियर दैट रेशियो विल गिव यू द एंगल एंड द यूनिट ऑफ दैट एंगल विल डेफिनेटली बी व्हाट? रेडियंस। हाँ, उसको फिर तुम किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज यू नो हाउ टू कन्वर्ट, राइट। दिस रिलेशन इज नोन टू यू कि रेडियन डिग्री ग्रेड्स में क्या रिलेशन होता है, दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इससे तुम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था कि ये रहा तुम्हारा सन, राइट, ये रहा तुम्हारा सन, ठीक है। चलो सन तो मैंने पहले बना रखा है, ये जो है ना दिस इज सन, लेट अस मेक इट अ सन। सन इज एक्सट्रीमली हॉट, नो वन कैन गो देयर टू मेजर द डायमीटर, राइट, दैट्स वेरी वेरी हॉट। बट तुमने सन को जब ऑब्जर्व किया अर्थ से, राइट, अर्थ से तुमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है, एंगल एट योर आई, दिस इज योर आई, राइट।
लेट्स से दिस, आप एंगल कभी देख रहे हो राइट, आपने सन को देखा, सन का नीचे वाला पार्ट, सन का ऊपर वाला पार्ट, एक एंगल बनेगा ना, देयर विल बी सम एंगल राइट। किसी भी चीज को तुम देखते हो, तुम मूवी देखने आते हो, तुम स्क्रीन देखते हो राइट, स्क्रीन ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास एंगल एक बनता है ना आई पे, दैट एंगल राइट। लेट्स से जब आप सन को देखते हो तो लेट्स से दिस इज 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड लिख दिया मैंने, चलो मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ, लेट्स से इट इज 1 मिनट, ठीक है, द एंगल इज 1 मिनट, ओके। किसमें? वो डिग्री वाले सिस्टम में, डिग्री वाला सिस्टम कौन सा था मेरे पास, सेक्सागेसिमल, ठीक है, तो ये 1 डिग्री है और 1 मिनट है, और ये सन का जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है, दैट द डिस्टेंस इज लेट्स से 6000 किलोमीटर। हमसे बोला गया कैन यू टेल मी द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन, approximate diameter of sun, yes I can say, how will I say, during this, including this। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे पहले ये 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। L, L क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास अगर तुम इसको एक ऐसे ड्रॉ करो तो ये एक सर्कल होगा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज 6000 किलोमीटर राइट, 6000 किलोमीटर, और ये एंगल कितना बना मेरे पास, 1 रेडियन का, ठीक है, सॉरी 1 मिनट्स का, और मुझे पूछा गया डायमीटर, तो ठीक है जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो क्या होगी, दैट इज द डायमीटर, एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूसेज करते हैं, दैट इज हाउ वी यूज ट्रिगोनोमेट्री टू फाइंड रियल थिंग्स। आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू, इज इट? यस सर। राइट, सो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस बेटा दैट यू यूज, एंड देन यू हैव अदर थिंग्स, देन यू हैव एक्सरसाइज 4.1, इसकी मैंने PDF में हमेशा आपको भेज देता हूँ, तो अगर आप सबके पास बुक है तो मुझे बता देना, फिर मैं इसकी PDF नहीं भेजूंगा राइट, क्योंकि मैं स्कैन करता ही हूँ स्क्रीन पे लगाने के लिए, इसमें भेज देता हूँ। आओ एक दो, हालांकि टाइम हो गया है बट स्टिल आओ, एक दो एग्जांपल्स किए बिना मुझे चैन नहीं आता, तो एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर आई लीव इट टू यू टू ट्राई फर्दर क्वेश्चंस, ओके। सो लेट मी टेक रैंडमली, आई विल टेक सम क्वेश्चंस राइट, वन इज थर्ड वन, एंड लेट्स से आई टेक द नेगेटिव थिंग हियर, और एक यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम कम है मैं सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से, सिर्फ पर्पस है सिर्फ ध्यान से आपको दिखाना कि करना कैसे होता है, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करना, डेफिनेटली हम अभी इस पे नेक्स्ट क्लास भी लेंगे, हो सकता है इस पे दो और क्लास लें, ठीक है, बिकॉज हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो कभी भी मैं स्टार्ट कभी जल्दी में नहीं करता, है ना, काफी क्वेश्चन है। इसके बाद एज यूजुअल हम लोग MCQ भी करेंगे, MCQ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, देयर आर जस्ट 8 क्वेश्चन, ठीक है। So probably today, tomorrow and day after. It will take 3 classes to finish it properly. Okay? Rest is definitely dependent on you. अगर तुम थोड़ा सा cooperate करो और तुम ज़्यादा questions करो तो फिर मैं सिर्फ doubts ही discuss करूँगा. Okay? तो आप try कीजिए. आइए मैं फटाफट से 3 questions आपके लिए करके बताता हूँ. Let's see कैसे करना है. Remaining questions आप try करो. हो जाते हैं very good. नहीं होते कोई बात नहीं. Find the degree measure of the corresponding radian measure. ठीक है. मुझे इसको इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. अब मैं इसमें क्या सोचूंगा बेटा, मुझे सिर्फ ये सोचने में आएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मुझे सिर्फ इतना ध्यान आता है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि 1 रेडियन कैन बी टेकन एज 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट, बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक जो तुमने पढ़ रखा होगा, यूनिटरी मेथड वही किया मैंने। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, दे हैव गिवन अस 18 पाई ओवर 5 एंड दैट इज इनटू रेडियंस, सो इफ आई कन्वर्ट एनी रेडियन इनटू डिग्री आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, 180 ओवर पाई, ठीक है। तो ये मेरे पास 18 पाई है, नीचे 5 है, इसको अगर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस पाई एंड पाई इज कैंसिल्ड एंड आई थिंक दिस विल बी गॉन बाय 36, 18 इनटू 36 राइट, 18 6 इज हाउ मच, 108 राइट, यू हैव 10 एज कैरी, 54 54 प्लस 10 दैट इज 64, सो प्रोबेबली इट शुड बी 640 डिग्री राइट, 18 पाई अपॉन 5, the answer should be 640 degree. कितना आ रहा है बेटा? 48. Okay, I think हमने यहाँ पे थोड़ा सा mistake कर दिया. 18 6 है, ये हमारे पास 108 था ना, मैंने 108 तो बोला लेकिन मैंने 8 लिखा नहीं, ठीक है, और ये 54 plus 10 is 64, तो 648 बिल्कुल सही है,
क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड ऑप्शन इट शुड बी 648. आई विल जस्ट क्रॉस चेक इमीडिएटली. राइट, दैट इज 648. ठीक है, तो बहुत आसान सर. इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे 57.32 डिग्री से? कर सकते थे, आई एम श्योर उसमें तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगी. आप ये कह रहे हो वो भी वही आएगा? बिल्कुल आएगा. राइट, आप अगर ये कह रहे हो कि इतना रेडियन अगर मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ही इज सेइंग कि सर आपने अभी भी बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज. दैट इज एप्रोक्सीमेट वैल्यू. नो, दैट इज एप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो यू विल गेट द आंसर एज एप्रोक्सीमेट. तो जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो सर 18 पाई अपॉन 5 इनटू 57.3 कर देते हैं. ठीक है, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. बस यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 रख देना. ठीक है, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर से करके देख लेना, या चाहो तो कैलकुलेशन भी कर लेना, 647.9 डिग्रीज के आसपास आएगा. ये 0.99 के आसपास जाएगा. ठीक है, या तुम्हें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.14, ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. नॉट इवन 22/7 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इवन दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. पाई इज एन इरेशनल नंबर बच्चों, पाई इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, कभी तुम्हें अगर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यू शुड मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 57.3. यू विल गेट द आंसर एज इट इज कंसेप्चुअली करेक्ट, बट यू विल अननेसेसरली एंड अप विद डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन. इज इट अंडरस्टूड अर्पित? यस सर. ओके, आई विल क्विकली सॉल्व द अदर टू क्वेश्चंस without wasting any time, quickly solving the other two questions. So, कौन सा mark किया था? I think fifth one, this one. -300 degrees. Minus का मतलब हमें जैसे हालांकि कोई यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, but हमारे mind में होना चाहिए. Minus का मतलब कि हमने with respect to positive x-axis clockwise angle calculate किया है, right? Clockwise angle calculate करा है. -300 is actually this angle. -300. मतलब ये वाला जो एंगल ये बच गया, ये कितना बच गया? +60 degree बच गया. पूरा घुमा दे तो कितना 360 हो जाता. तो when they are saying -300, तो ये चीज हमारे माइंड में अभी से स्ट्राइक करनी चाहिए. सारी चीजें अभी आने वाले टॉपिक्स में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस है प्लस है, तो क्या सही से तुम्हारे माइंड में घूमना चाहिए. एंगल देख, जैसे देखा अच्छा माइनस है मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा होगा, अच्छा प्लस है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा, अच्छा -300 है मतलब ये पूरा रिवॉल्व करके कहां तक जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आएगा, +60 यहां पे होगा. ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें अभी से अगर तुम प्रैक्टिकली हर चीज को देखोगे तो तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस भी तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो हलवा है. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हर चीज को समझने की कोशिश करनी. ऑल राइट, क्या करना है हमें इसमें? रेडियन मेजर करना है. सो कोई टेंशन ही नहीं है यार, ये तो लल्लू क्वेश्चन है. इट्स अ लल्लू क्वेश्चन. पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. जैसे अभी मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 180 अपॉन पाई किया था. तो अगर मैं कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 degree इज इक्वल टू नथिंग बट पाई अपॉन 180. राइट, तो अगर मैंने कभी भी डिग्री को इसमें करना तो ऐसा कर दूंगा. तो -300 को जब मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ठीक है, कैंसिलिंग इट, 6 से कैंसिल कर रहा हूं, ये कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 3s एंड दिस इज 6 5s. सो प्रोबेबली द आंसर शुड बी -5π/3. व्हाट इज द सेंस? द सेंस इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज़ इट इज moving in clockwise direction. I hope it is okay, children. Yes. Fine. Coming to the last question for today. थोड़ी सी क्लास लंबी जा रही है, but I am sure all of you don't mind that. Right. So, एक और क्वेश्चन कौन सा मार्क किया था बेटा, जल्दी बताओ. ये वाला? 7. Yes, sir. Right. कोई और भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है. There's no hard and fast rule. We can solve any question, right? और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम जब खुद से करना शुरू करो तो आपके डाउट्स कम होने चाहिए, right? Examples जब टीचर कर देते हैं ना तो आपको वो चीज प्रॉब्लमेटिक थोड़ी कम हो जाती है. प्रॉब्लमेटिक तो होती है बट थोड़ी कम हो जाती है. आइए, लेट अस सी द सेवंथ पार्ट ऑफ दिस. दिस इज कमिंग आउट एज 125 डिग्री एंड 30 मिनट्स. राइट, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमने एक चीज तो सीख ली अभी, क्या, कि अगर मैंने कभी भी डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, राइट, ये 180 डिग्री एंड दिस इज पाई रेडियस. तो अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है. ये बात तो हमने सीख ली, बट ये जो मिनट है ना, दिस मिनट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. तो कोई बात नहीं, इफ मिनट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम तो कोई बात ही नहीं है. क्या, हमने भाई ये बात तो सीख रखी है ना बेटा,
कि अगर मैंने मिनट में डिग्री कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सही। तो ये एक्चुअली में ये है कितना, 30 मिनट्स इज व्हाट, इट इज 0.5 डिग्रीज। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी चीज को डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 125.5 डिग्रीज। बाकी की कहानी तो वही है जो पहले चल रही थी, यानी अगर मैंने इसको हीट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद 1 pi upon 180, राइट। तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो सिंपलीफाई करके आ जाएगा 125.5 into pi over 180, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव दिस डेसिमल, रिमूव इट एंड पुट अ जीरो हियर, कैंसिल इट बाय 5, 5 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2, 25 से 5 गया 1251 pi, और नीचे शायद 360 शायद आना चाहिए, राइट, 360 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ओवरऑल अब ये फर्दर होगा क्या, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 251 पाई ओवर 360, दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस। लेट्स क्विकली स्विच टू द आंसर, लेट्स सी 2 का 7th, 2 का 7th, 2 का 7th, 7, दिस इज 7, कितना आ रहा है 251 पाई ओवर 360, हमारा कितना था 3, ठीक है, that is absolute. तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, right? तो children, you are good to start with this, right? Again, a very very strong suggestion. Please make sure we are following R.D. Sharma, but it is not mandatory for you to follow R.D. Sharma. You can follow any book of your choice, जो भी तुम्हारे school को suggest करते हैं। ऐसे R.D. Sharma एक ऐसी book है जो universal है 11, 12 के लिए, ठीक है? इससे CBSE, ISC, IIT, mains और NCERT एग्जाम्पलर, ये सारी बुक को कंबाइन करके कवर हो जाता है, इसीलिए मैं इसी बुक को कवर कराता हूँ, इससे तुम्हारी कवरेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपका ये पर्पस होना चाहिए कि आप आरडी शर्मा बुक से जितने भी NCERT मार्क, बिकॉज देखो जब कोई भी काम ज्यादा होता है बच्चों तो उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए, तो जो NCERT वाले क्वेश्चन हैं पहले उनको कर लेना, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं।